काम को लेकर आए तो इसके लिए कहाँ से और कैसे सहयोग मिल रहा है और किन किन लोगों का सबसे पहले मैं न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी आवाज़ को दोबारा से आपने शासन प्रशासन के कानों पर पहुँचाया और हमारा सबसे बड़ा योगदान हमारी बहन जी ज्योति शर्मा जी जो सेक्टर नौ रोहिणी से रहने वाली हैं और उन्हीं की बदौलत ये हमारा हम तो 10-20 दिन बांट के बंद कर बैठे थे लेकिन हमारी बहन जी ने इतना योगदान रहा जो 46 डेज है जो हम उनकी बदौलत चला रहे हैं हमारे को कई जगह से सहयोग दे रहे हैं जैसे धर्मशाला है रोहिणी सेक्टर 3 की वहाँ से दे रहे हैं दरबार धर्मशाला से आर के और मोती बाग साहब गुरुद्वारा है वहाँ से हमें सहयोग कर रहे हैं और सबसे बड़ा हमारी बहन जी की बदौलत हो रहा है जो भी हो रहा है हमारी कोई इतनी कैपेसिटी नहीं थी हम 10-20 दिन करके बंद कर देते इसको लेकिन हमारी बहन जी ज्योति शर्मा जी उन्होंने हमें दिया है और उन्हीं के हमें वो मिली है कि जो हम उन्हीं की बदौलत काम चला रहे हैं जिसमें हम सुबह और शाम दोनों टाइम दे रहे हैं। विधायक जी आ रहे थे, विधायक जी गाली गलौज करके गए थे 22 अप्रैल को, तो उसके बाद में हमने बहन जी को बताया था, जो बहन जी आज हमारे साथ हैं, आज बहन जी हमारे साथ हैं, हमने बहन जी को बताया, बहन जी ने कहा था लॉकडाउन खुलने दो, फिर मैं उसके जरूर FIR दर्ज कराऊंगी, ये आश्वासन बहन जी ने हमें दिया है। और बहन जी हमारी बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं जो सेक्टर 9 रोहिणी में रहती हैं, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं और जनता की तरफ से आपके चैनल को क्षेत्र की जनता को सबसे पहले बहन ज्योति शर्मा जी को इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों जैसा कि आपने सुना जिस भारत देश में महिलाओं को बहुत ही कमजोर समझा जाता है और लगातार उन्हें पुरुष के अधीन ही समझा जाता है लेकिन उस कड़ी में कुछ महिला साथी ऐसी भी हैं कि जो बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही हैं। अंदर से आते हैं कि आपको कुछ करना है और एक जिद होता है आपके दिल में किसी भी काम को करने का। मैं कई साथियों में समाज के साथ जुड़ी रही और इस तरह के कार्य करती हूँ, बचपन से देख के ही अपने आसपास के लोगों में। अभी जैसा कि हमें पता चला कि 40 दिन से लगातार यहाँ पर भोजन वितरण की व्यवस्था की जा रही है लेकिन आज एक विशेष प्रयोजन है और अगर सब लोग महात्मा बुद्ध के नक्शे कदम पे चलने लग जाए तो मुझे लगता ही ये भेदभाव मानवता का आधार था और मानवता के आधार पे इस तरह के काम सबसे बढ़ चलते करेंगे। ज्योति जी मेरा एक सवाल हो रहा है कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न भी हैं और सामाजिक रूप से काम भी करें लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है उससे भयभीत होकर घर की चार दीवारी तक सीमित रह गया लेकिन जिस कड़ी में आप मैंने कहा कि आप जैसी महिलाएं निकल कर आ रही हैं तो आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो घर की चार दीवारी तक सीमित है। देखिए हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ योगदान कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं, आप देखिए डॉक्टर्स कर रहे हैं, पुलिस है कितना सहयोग कर रही है, महिला पुलिस है, कोरोना तो सभी के लिए है और इस महामारी और ऐसे संवेदनशील समय में तो हर किसी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए लेकिन घर में रहने वाली महिलाओं से जो सक्षम है उनसे मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि ठीक है आप समय नहीं दे सकते या बाहर नहीं कर सकते लेकिन आप अपने घर से कम चार रोटी भी एक व्यक्ति के लिए जरूर बनाएं ताकि एक व्यक्ति का पेट भर जाए। मुझे लगता है कि उन्हें चार रोटी या सब्जी देकर एक व्यक्ति का पेट भर के भी उन्होंने अपने फर्ज को पूरा किया, अपने दायित्व को। बिल्कुल सही कहा कि चाहे महिला घर से ना निकले लेकिन अपने आप चार या पांच रोटी आप एक व्यक्ति का भोजन